हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक शेखावत एंड यू आर वाचिंग एब्सोल्यूट अभी। ओला कोमेस्ताई, सोए अभिषेक शेखावत दे खाईपुर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो शायद ये आपको सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप मुझे रेगुलर देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये बात स्पेनिश में बोली है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने कुछ महीनों पहले स्पेनिश क्लासेस देना स्टार्ट कर दिया है थ्रू YouTube चैनल। तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं, सो दैट्स वाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये क्लासेस कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि कई लोग मुझे मैसेज करके, Instagram पे मैसेज करके मुझे ये बोलते हैं कि सर आपका नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में ऐड हो रही है। पहले देखिए, मैं फैशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल के बारे में बताता था, वो भी बहुत अच्छे मेरे टॉपिक्स हुआ करते थे, बट ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो आपको ये हजार लोगों की भीड़ में भी अलग कर देगा, क्योंकि लर्निंग ए डिफरेंट लैंग्वेज आपके जो CV है, आपका रेज्यूमे है, उसको टोटली डिफरेंट कर देगा। आप उन लोगों से अलग हो जाएंगे जो 20 लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, और अगर आप आए हैं तो जब आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो वो आपसे पूछेगा क्या आपको स्पेनिश आती है, क्योंकि आपने वहाँ पे एडिशनल लैंग्वेज में ये चीज़ मेंशन कर रखी होगी, और तब आप उसे अपनी ये स्टाइल, आपका जो एक नई जो आपने चीज़ सीखी है वो जब बताएंगे तो डेफिनेटली आप उस भीड़ में अलग हो जाएंगे, और जिससे आपके जो नौकरी मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये आपको डिफरेंट तो बना देगी बट ये आपके लाइफ में बहुत ही वैल्यू भी ऐड करेगी। आप किसी फॉरेनर से बात करते हैं, हो सकता है आपको स्पेन जाने का मौका मिल जाए, कई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी ऐसे स्टेट या ऐसे सिटी में रहते हैं जहाँ पे टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज होगी, क्योंकि स्पेनिश ट्रैवलर्स बहुत ट्रैवल करते हैं। मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बता दूं कि सिर्फ स्पेन में ही स्पेनिश नहीं बोली जाती, पूरे साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है। तो आपके पास इतना अच्छा स्कोप होगा कि आप लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दें, और नीचे ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूं आप लोगों के पास सारे नोटिफिकेशन आ जाएं। और एक चीज़ मैं आपसे एक और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपको ये टॉपिक ज़्यादा पसंद नहीं हो, कि आप शायद नहीं सीखना चाहते हों, लेकिन हो सकता है आपके कॉन्टैक्ट में ऐसे 10 लोग हों जिनको स्पेनिश या कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीखना चाहते हों, तो प्लीज़ आप उन स्टूडेंट्स को ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके एक छोटे से शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो सकती है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। मतलब कई बार हमें देखते हैं हम लोग, टाइम क्या हुआ है, कितने बजे हैं, बाहर कैसा टाइम चल रहा है, ये इवनिंग है या मॉर्निंग है। वैसे तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो इस पर बना चुका हूँ, बट आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताने वाला हूँ, कि जैसे आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़ द टाइम, तो आपको कैसे उसको बताना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून विद मी, और अब यहाँ पे लगने वाला है हमारा व्हाइट बोर्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। टाइम को स्पेनिश में बोलते हैं तिएम्पो, ठीक है। देखिए, तिएम्पो टाइम को भी बोल सकते हैं, और जो बाहर जो वेदर है उसे भी हम बोल सकते हैं तिएम्पो, आसे बुएन तिएम्पो, मतलब कि बहुत अच्छा वेदर है। तो तिएम्पो को हम दो उसमें ले सकते हैं, टाइम और बाहर जो वेदर है, जो क्लाइमेट वाला वेदर है वो क्या है, तो उसे भी हम तिएम्पो बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड्स को हम बोलते हैं सेगुंडोस, सेगुंडोस। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है खे, ठीक है। तो सेगुंडोस, सेकेंड्स, सेगुंडोस। मिनट, मिनुतो, अगर मिनट्स हैं तो ये मिनुतोस हो जाएगा, ठीक है। डे, दिया। डेट, फेचा, ठीक है। मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप मेरे साथ साथ जो प्रोनाउंसिएशन है उसको कीजिएगा, ताकि आपका जो ये चीज़ है ये क्लियर हो। और मैंने आपको हमेशा मेरे हर वीडियो में बताया है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ को गलत बता रहे हैं और सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है तो वो वेस्ट है। मतलब आपको नॉलेज होते हुए भी आप सामने वाले के सामने आपका इम्प्रेशन ज़ीरो होने वाला है।
इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसे बहुत ही केयरफुली आपको सुनना है। टाइम tiempo, tiempo, ठीक है। सेकेंड्स segundos, मिनट्स minutos, डे día, डेट fecha, tiempo, segundos, minutos, día, fecha। आर को बोलते हैं ओरा, ठीक है, आर ओरा। मंथ mes, ईयर año, और अगर ईयर्स हो जाएगा तो años। जैसे अगर आपसे कोई पूछे cuánto años tiene, मतलब हाउ ओल्ड आर यू, तो अगर आप 25 के हैं तो आप बोलोगे 25 años, वहां आपको एस लगाना पड़ेगा, तो वहां आप आन्यो नहीं बोल सकते, ठीक है। ये वैसे आप समझ गए होंगे, प्लूरल है इसलिए आपको एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कोई cuánto años tienes, तो आप बोलोगे tengo 25 años, तो ईयर्स को बोलते हैं años। टुडे मतलब कि आज, ओई, टुमारो मन्याना, ये एन्या है। तो जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की, जो सबसे पहला जो लेसन जो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें मैंने ABCD सिखाई थी, अल्फ़ाबेट सिखाए थे, तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि स्पेन में एन्या, एन के साथ साथ में एक एन्या भी होता है, इसके ऊपर एक ही वो लगी हुई होती है, तो ये आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोलते हैं मन्याना, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ओरा मैस आन्योस या आन्यो, ओई मन्याना, ठीक है, ओरा मैस आन्योस ओई मन्याना। यस्टरडे को हम लोग बोलेंगे आयर, डे बिफोर यस्टरडे, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट ले लिया, आप लोगों को नहीं लेना है शॉर्टकट, डे बिफोर यस्टरडे, आंते दे आयर, आंते आयर, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो मतलब कि परसों, पसादो मन्याना, मैंने आपको पिछले वाले उसमें बताया था मन्याना का मतलब कल होता है। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो काफ़ी ज़्यादा यूज में आने वाला है मन्याना, अभी नेक्स्ट इसमें पता लग जाएगा। मॉर्निंग को हम बोलते हैं मन्याना, ठीक है, और हम कल को भी बोलते हैं मन्याना। तो अगर आप थोड़े से कन्फ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। डे आफ्टर टुमारो या मतलब टुमारो मतलब कि मन्याना है, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि कल मैं आपको 10:30 बजे मिलूंगा फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मॉर्निंग का मतलब भी मन्याना है, तो आप कैसे बोलोगे कि ते बोया वेर मन्याना पोर ला मन्याना, ठीक है, मन्याना पोर ला मन्याना, तो मन्याना हो गया कल और पोर ला मन्याना हो गया मॉर्निंग में। तो सपोज अगर आपको कल मिलना है मॉर्निंग में किसी से, मन्याना पोर ला मन्याना, और अगर सपोज आपको किसी से आफ्टरनून में मिलना है मतलब 12-1 बजे के आसपास, तो आप बोलोगे मन्याना अल मेडियो दिया, ठीक है, यूज तो आपको मन्याना करना है कल के लिए और पोरला मन्याना मॉर्निंग के लिए। अगर आप थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो ये बहुत ही नॉर्मल है, कंफ्यूज आदमी हो सकता है। तो इन क्लासेस से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या मैं प्रीफर करूँगा कि आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi, याद रखिएगा कि कई लोगों ने मेरे 4-5 डिफरेंट अकाउंट बना लिए हैं, तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बोले हमने आपको मैसेज किया आपने तो देखा ही नहीं, लेकिन बेसिकली वो मुझे मैसेज मिलता ही नहीं है। तो मेरा जो ऑफिशियल मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है absolute.abhi, वो वैसे मैं बाद में भी आपको बता दूंगा। तो अगर आपके माइंड में कुछ प्रोनाउंसिएशन का कुछ डाउट हो या इन चीज़ों में से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ मुझे DM कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा टाइम लेके लेकिन मैं आपको ज़रूर वो चीज़ बता दूंगा। तो आपको मन्याना और पोरला मन्याना में बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, मन्याना मीन्स टुमारो, पोरला मन्याना मीन्स मॉर्निंग। तो अगर हम लोग मन्याना कल 10:30 बजे मिल रहे हैं तो मन्याना पोरला मन्याना आलस दिएत ई त्रेंता, ठीक है, तो मन्याना पोरला मन्याना का मतलब हो गया कल मॉर्निंग में, ठीक है, मन्याना मीन्स टुमारो। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो, अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे बिंदास बोल सकते हैं, ठीक है। आफ्टरनून को हम बोलते हैं मेडियो दिया, ठीक है, दिया मतलब डे, वो जो पिछले वाले वो मैंने मिटा दिया है उसमें था, तो मेडियो दिया मीन्स आफ्टरनून। मैं एक बार आपको वापस रिपीट कर देता हूँ, यस्टरडे मीन्स अयर, डे बिफोर यस्टरडे आंते अयर, डे आफ्टर टुमारो पसादो मन्याना, ठीक है, मॉर्निंग
पोरला मनियाना आप ज़्यादा इजी रहेगा, नहीं तो आप मनियाना में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो मनियाना मीन्स टुमारो, पोरला मनियाना मीन्स मॉर्निंग में, ठीक है। आफ्टरनून मीन्स मेडियोडिया। इवनिंग को हम बोलते हैं तार्दे। देखिए अब थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अब ये वाला जो ब्लैक व्हाइट बोर्ड है इसमें जो मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लिसन केयरफुली। इवनिंग तार्दे, नाइट नोचे, ठीक है। अब देखो क्योंकि मैं अभी अब आपको जब बता रहा था तो मुझे लगा कि शायद आप लोग थोड़े से मनियाना और इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, तो मैं आपको इसलिए मैंने लिख दिया ए एम पोर ला मनियाना पी एम, ठीक है, पोर ला तार्दे, ये तो हो गया इवनिंग के लिए, और पोर ला नोचे ये हो गया नाइट के लिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप कल मॉर्निंग में किसी से मिल रहे हैं तो वो होगा पोर ला मनियाना, ये आर है, सॉरी आर, पोर ला मनियाना। अगर आप कल दोपहर में या इवनिंग में मिल रहे हैं, मतलब वहाँ पे दोपहर को ऐसे कुछ, वैसे तो मेडिया मेडियो दिया बोलते हैं लेकिन वैसे कुछ वो नहीं होता, जैसे हम लोग गुड इवनिंग बोलते हैं ना, तो उधर ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे डायरेक्ट या तो गुड मॉर्निंग है या फिर गुड नाइट है या गुड इवनिंग है, लेकिन गुड आफ्टरनून नहीं है, सॉरी ये मेरे इसको करेक्ट कर लेना आप, गुड आफ्टरनून कुछ नहीं है वहाँ पे, गुड इवनिंग जरूर है। तो गुड इवनिंग को हम लोग बोलते हैं बोनेस तार्देस। तो तार्देस, अगर आपको मेरी क्लास याद हो जिसमें मैंने ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम किसी लोगों को ग्रीट करते हैं, तो पोर ला तार्दे, ये देखो इवनिंग में भी तार्दे है और जब हम किसी से मिलने की बात करते हैं तो पोर ला तार्दे और पोर ला नोचे, नोचे मीन्स नाइट ये, और मनियाना मीन्स डे, ठीक है। पोर ला मनियाना, पोर ला तार्दे, पोर ला नोचे, और अर्ली जो है, अर्ली का मतलब टेम्परानो। मैं एक मिनट वापस रिपीट कर देता हूँ, इवनिंग तार्दे, नाइट नोचे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मनियाना मीन्स होता है टुमारो, लेकिन अगर मैं किसी से टुमारो इन मॉर्निंग मिलने जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मनियाना पोर ला मनियाना, लेकिन अगर मैं किसी से इवनिंग में मिलने जा रहा हूँ या दोपहर में मिलने जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मनियाना पोर ला तार्दे, और अगर मैं नाइट में मिलने जा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा मनियाना पोर ला नोचे, ठीक है। नोचे समझ ही गए, नाइट तार्दे समझ ही गए हैं इवनिंग, और मनियाना मतलब मनियाना वो समझ ही गए हैं कि मनियाना हम कल को भी बोलते हैं, लेकिन अगर हम उसे पोरला मनियाना बोलते हैं तो ये मॉर्निंग के टाइम को बताता है, और अर्ली मीन्स टेम्परानो। अगर आपको लगता है कि ये मनियाना वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है तो मैं इसके लिए एक स्पेशल क्लास भी बता सकता हूँ, मतलब एक पूरे उसमें सिर्फ आपको यही एक्सप्लेन करूँ, लेकिन उसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा कि मुझे क्या इस पर्टिकुलर एक इस इन चीज़ों पे बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो शायद मुझे बनाना चाहिए, बट वो मुझे आप बताइएगा, शायद हो सकता है आप कंफ्यूज ना हो रहे हो और आपको समझ में आ गया हो। मिडनाइट को हम बोलेंगे मेडिया नोचे, मेडिया नोचे। अगर आपको याद है हम लोग दिन को जो आफ्टरनून वाला टाइम है उसे बोलते हैं मेडियो दिया, दिया मतलब डे, नोचे मतलब नाइट, लेकिन यहाँ पे है मेडिया नोचे, ठीक है। नाउ मतलब कि नाउ इज अहोरा, ए एच ओ आर ए, अहोरा। लेटर मतलब बाद में, मास तार्दे, ठीक है। नेक्स्ट सिगियंते, सिगियंते, और फास्ट मतलब जल्दी को हम लोग बोलेंगे प्रोंतो, प्रोंतो, ठीक है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, मेडिया नोचे, अहोरा, मास तार्दे, सिगियंते, प्रोंतो। क्योंकि ये वर्ड थोड़े से इजी हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इनको ज़्यादा रिपीट करना चाहिए, इसमें थोड़ा सा अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो ये है सिगियंते, सिगियंते, ठीक है, सिगियंते, सिगियंते। बाकी ये बिल्कुल इजी है, मेडिया नोचे, मिडनाइट, मेडिया नोचे, नाउ आउरा, लेटर मास तार्दे, नेक्स्ट सिगियंते, फास्ट जल्दी मतलब प्रोंतो, ठीक है। तो ये है मेरी आज की क्लास जिसमें मैंने आपको 25 टोटल वर्ड्स बताए हैं। आपको जो करना है बेसिकली इन वर्ड्स को याद करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमारी डेली लाइफ मतलब हर दिन हमारे यूज़ में आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इनको फटाफट याद कर लीजिए। इस वीडियो को आपको अपने उन लोगों को ज़रूर भेजना है जो कि स्टूडेंट हों, क्योंकि देखिए आजकल
स्कूल के अंदर भी एक सेकेंड लैंग्वेज आ गई है। कई स्कूल्स में फ्रेंच है, किसी में जर्मन है और स्पेनिश है। तो जिसमें स्पेनिश है उन स्टूडेंट्स को आप ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए टीचर्स हमें बताते हैं, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी टाइम तक स्पेन में रहा तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मुझे पता है कि मैं अगर बोलूँगा तो कोई भी स्पेनिश बंदे से या बंदी से मैं आराम से बात कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप उस स्टूडेंट्स को ज़रूर ये वीडियो भेजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। ठीक है, मेरी अनोचे आहोरा मास तार्दे सिगेंते एंड प्रोंतो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, आपको फ्रेश लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मुचस ग्रासियस बोलना चाहता हूँ। मुचस ग्रासियस का मतलब होता है थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे वीडियो को देखा। आई होप कि आपने आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। लेकिन अगर वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है absolute.abhi। मैं इसको भी इसके लेटर्स को स्पेनिश में बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा मतलब आप भी प्रैक्टिस कर लें। आ बे एस ए ओ एल ए ऊ ते ए डॉट को हम बोलते हैं पुंतो। ठीक है, डॉट होता है पुंतो आबी। आ बे आचे ई। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट absolute.abhi पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच। घर में रहें, सेफ रहें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें, मास्क को ज़रूर यूज़ करें, बिकॉज अभी इस टाइम हमारे पास यही ऑप्शंस हैं, और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुचस ग्रासियस पारा वेर मी वीडियो। नोस वेमोस इन ला प्रोक्सिमा वीडियो। हस्ता प्रोंतो, अदियोस।